दोस्तों, मैनपुरी से एक ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां पर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और मौत की वजह नर्स की लापरवाही थी और इस लापरवाही की वजह दोस्तों बच्चा होने पर नर्स को नेग ना मिलना। जी हाँ, बात यह थी कि मैनपुरी के करहसी एचसी में एक बच्चे का जन्म हुआ। जैसे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर या नर्स की तरफ से नेग मांगा जाता है, जिसके पास जितना होता है उस हिसाब से नेग देता है। वही यहाँ भी हुआ। नर्स ने नेग के तौर पर परिजनों से 5100 रुपए मांगा। उस वक्त परिवार वालों के पास नेक देने के लिए उतना पैसा नहीं था, जिसकी कीमत नवजात बच्चे को उठानी पड़ी। जब नेक नहीं मिला तो उसने बच्चे को उसके परिजनों को नहीं दिया और शर्त रख दी कि जब तक नेक नहीं तब तक बच्चा नहीं। उसके बाद दोस्तों नर्स ने 40 मिनट तक ऐसे ही मेज पर बच्चे को छोड़ दिया। फिर बड़ी मुश्किल से परिजनों ने किसी तरह से पैसे की व्यवस्था की, लेकिन तब तक बच्चे की हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सोचिए दोस्तों, सिर्फ नेक के लिए एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जिसने आंख खोलकर दुनिया को देखा भी नहीं था, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल दोस्तों यह घटना 18 सितंबर की है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इस पर तब एक्शन लिया गया जब सुजीत कुमार ने, जो कि उस बच्चे के पिता हैं, उन्होंने डीएम और सीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। चलिए दोस्तों जान लीजिए सुजीत कुमार ने पत्र में क्या जानकारी दी है। 18 सितंबर को उनकी पत्नी संजलि को प्रसव पीड़ा हुई तो वह सीएससी करहा लेकर आए थे। यहाँ नर्स ज्योति और स्टाफ के अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी को भर्ती तो कर लिया, लेकिन इलाज में लापरवाही बढ़ती गई। इतना ही नहीं, अगले दिन जब उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो करहल सीएससी की नर्स ज्योति ने 5100 रुपए नेक की मांग की। इतना पैसा उनके पास नहीं था तो बच्चा उन्हें देने के बजाय नर्स ने देर तक नवजात को कपड़े में लपेट कर मेज पर रख दिया। नर्स ने कहा, जब तक पैसा नहीं दोगे बच्चा नहीं मिलेगा। नवजात के परिवार वालों ने बहुत ही मुश्किल से पैसे की व्यवस्था की, तब कहीं जाकर नर्स ने नवजात को मेज से उठाया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेनदेन के दौरान 40 मिनट लगे, जिसके बाद नवजात की हालत बिगड़ गई और सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों परिजनों का आरोप यह भी है कि इस मामले की जो आशा बहु शीला है, उन्होंने भी परिजनों को गुमराह किया था। उन्होंने स्टाफ नर्स को चिकित्सक बताया था। इस तरह से सुजीत कुमार ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि शिकायत के बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया और जांच की जा रही है। सुनिए इस पर मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने क्या कहा है। ये समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मुझे याद कर पा रहा हूँ, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है अभी तक? एक स्थानांतरण, एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है, ये भी मुझे पता चला है सीएमओ साहब से। तो लेकिन केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है, यदि उसकी मिलीभगत पाई जाती है। एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि घटना 18 की है और ये प्रकाश में आई है 10 दिन बाद, तो इसमें जांच, बच्चों की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब एक मासूम बच्चे को ऐसे मेज पर लिटा दिया गया तो उस वक्त डॉक्टरों का पूरा स्टाफ कहाँ था? ऐसा तो था नहीं कि एक सरकारी अस्पताल में एक ही नर्स थी? जब ऐसा माहौल हॉस्पिटल में बना तो उस वक्त हॉस्पिटल में डॉक्टर कहाँ थे? ये भी एक सवाल है जो ऐसी घटना आने के बाद उठ रहे हैं।